ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि स्वास्थ्य विभाग में किसी भी तरह का सेवा विस्तार किसी को ना दिया जाए, क्योंकि इससे उस योग्य आदमी के सपनों को रोका जा रहा है जो काफी दिनों से इसकी आस लगाए बैठा है। ये मांग हिमाचल प्रदेश ऑफिसर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव पुष्पिंदर वर्मा ने लिखी। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए सरकार से गुजारिश करी है कि स्वास्थ्य विभाग में किसी भी तरह का सेवा विस्तार किसी को भी ना दिया जाए, क्योंकि इससे हर उस योग्य व्यक्ति के सपनों में एक रोक लग जाती है जो कि उस विभाग में काम कर रहा होता है और बड़े ही अरमानों से उस दिन का इंतजार कर रहा होता है कि जब उसकी प्रमोशन होनी होती है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को सेवा विस्तार देकर उन सभी योग्य व्यक्तियों के करियर प्रोग्रेशन पर एक ब्रेक लग जाता है। महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि संघ सरकार से करबद्ध निवेदन करता है कि मेडिकल कॉलेजों में भी सेवानिवृत्ति की आयु 65 से 68 वर्ष ना की जाए, क्योंकि बहुत सारे नौजवान युवा डॉक्टर डीपीएस के द्वारा अपनी तरक्की की राह देख रहे हैं, क्योंकि सेवानिवृत्त आयु बढ़ाना कोई समस्या का समाधान नहीं है। जब 68 में ये सब रिटायर होंगे तब भी तो फैकल्टी की कमी वैसे की वैसे ही मुंह खोले खड़ी होगी, इसलिए संघ ने गुजारिश की है कि सेवानिवृत्त की आयु बढ़ाने की बजाय नौजवान युवा डॉक्टरों की डीपीएस में तरीके से और सपनों के अनुसार करके नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। संघ ने आगे कहा कि कल चंबा में भी संघ का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलकर इन मुद्दों पर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगा और संघ को माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा है कि वो हिमाचल की जनता और आने वाले युवा हिमाचली डॉक्टरों के हितों को देखते हुए हमारी इन मांगों को पूरा करेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर संघ हमेशा से इस बात के जो है अगेंस्ट रहा है कि रिटायरमेंट की जो एज है वो बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि फैकल्टी की समस्या हो रही है मेडिकल कॉलेजों में, तो इसलिए आयु 65 से 68 कर देंगे। तो जब रिटायरमेंट एज 58 थी, फिर 62 करी और 65 करी, तो क्या फैकल्टी की समस्या सॉल्व हो गई? नहीं हुई ना, क्योंकि आप 65 से 68 कर देंगे तो 68 में जब वो रिटायर होंगे तब क्या फैकल्टी की समस्या सॉल्व हो जाएगी? तो इसलिए हमने पहले भी गुजारिश करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि रिटायरमेंट की एज को जो है वो ना बढ़ाया जाए, बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं उन पे रिटायरमेंट की एज 60 रखी जाए, जैसे कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में है। और इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में भी किसी भी व्यक्ति विशेष को सेवा विस्तार ना दिया जाए। उससे क्या होता है कि हमारा जो भी डॉक्टर वर्षों से लगा होता है और हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि जिस विभाग में वो लगा है वहाँ के उच्च पद से रिटायर होए, तो उसके जो जो इच्छा है, अरमान है, उनपे ब्रेक लग जाता है, उसकी कैरियर प्रोग्रेशन पे ब्रेक लग जाता है। तो हम चाहते हैं कि सेवा विस्तार भी किसी तरह से भी स्वास्थ्य विभाग में नहीं होना चाहिए, और रिटायरमेंट की एज जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं वो कॉलेजेस में भी और हमारे संस्थानों में भी 60 होनी चाहिए।